स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द टॉपिक रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। इस रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? रिफ्लेक्शन का वही मीनिंग है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन यहां किस तरह से होता है, इसका क्या मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं और हम इसे मैथमेटिक्स में कैसे समझते हैं, आइए उस एक्सप्लेनेशन को देखें। उससे पहले एक बेसिक बिल्कुल क्लियर कर दें, आपका हो सकता है आपको आता हो और हो सकता है कंफ्यूजन हो, पर आज वो बेसिक बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन पर आ जाएंगे। तो देखिए आपके सामने यहां पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनी हुई है, ये एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस है जो कि वर्टिकल एक्सिस होती है और दोनों एक दूसरे से नॉर्मल होती हैं, 90 डिग्री और परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं, आपको पता है, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। ओरिजिन मींस ओ, तो ओ लिख देते हैं ओरिजिन को। एक बात, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे इधर की ओर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द एक्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द एक्स होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां मार्किंग बनी है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहां पे -1 -2 -3, ये एक्स डैश हो गया, ये एक्स है। अब अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई में भी ओरिजिन के अबव अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो 1 2 3 4 सब प्लस में है ये, और डाउनवर्ड आए ओरिजिन के नीचे की ओर तो ये -1 -2 -3 -4 लाइक दिस है। ये सब आपने मार्किंग करनी है, हमेशा करनी है और ग्राफ पेपर पे करनी है। रिफ्लेक्शन का जो आपको क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसमें हमें ग्राफ पेपर का यूज करके ये काम करना होता है। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप इसको कॉपी पे ड्रॉ करेंगे अभी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में और जब भी आपको एग्जाम देना है तो ग्राफ पर ही ये काम करना है। आप इस तरह से मार्कर बनाएंगे और ध्यान रखेंगे ये सारे इंटरवल्स इक्वल होने चाहिए, और 1 सेंटीमीटर लेके बनाएं तो ज्यादा बढ़िया है, या 2 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में। एक बात, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये ओरिजिन है। इसमें हम अगर कोई कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना चाहें, मैंने वर्ड बोला कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यूज। हमने एक पॉइंट ले लिया पी, इन जनरल पी यानी कि एक्स कॉमा वाई लिखा है, तो यहां देख रहे हैं ना एक्स और वाई, तो एक वैल्यू एक्स की होगी और एक वैल्यू वाई की होगी क्योंकि दो एक्सेस है ना। तो ओ को तो ओरिजिन बोल देते हैं, एक्स को बोलते हैं एप्सिसा। हमेशा ध्यान रखिएगा एक्स की जो वैल्यू है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसको बोला जाता है एप्सिसा, और जो वाई के रिस्पेक्ट में वैल्यू है उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। तो एप्सिसा और ऑर्डिनेट इज देयर, नो कंफ्यूजन, एक्स और वाई, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट हो गए। तो हम कोई एक पॉइंट पी ले रहे हैं, उसके इन जनरल कोऑर्डिनेट बोलेंगे एक्स कॉमा वाई। फॉर एग्जांपल हमने पी डैश एक पॉइंट लिया 3, 2। अब इसको देखिए कैसे प्लॉट करेंगे, आपने क्लास 9th में सीखा हुआ है, फिर भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट फिर रिवाइज कर लीजिए। आपको 3, 2 प्लॉट करना है, तो देखिए 1, 2, 3 ये पॉइंट आया और यहां पर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आया 2, प्लस में है ना दोनों, तो 1 और 2। तो आप क्या करिए, 3 से एक परपेंडिकुलर उठाइए और 2 से एक परपेंडिकुलर उठाइए और यहां पे पॉइंट आ गया। देखिए तो 3 एक्स एक्सिस पे वैल्यू ले ली यानी एप्सिसा ले लिया 3 पॉइंट 3 यूनिट पे, और वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे ले लिया, तो जो भी ये दोनों परपेंडिकुलर को मिलाया तो ये पॉइंट आ गया पी डैश जो यहां लिखा हुआ है 3, 2। आप प्लॉट कर सकते हैं बहुत आसानी से, नो प्रॉब्लम। अगला देखिए -3, -4, तो अब आप माइनस में एक्स और माइनस में वाई को देखिए, तो देखिए 1, 2, 3 ये माइनस, यहां से आपने परपेंडिकुलर गिराया -3 से, और -4 आपने -4 से पॉइंट लिया, ये दोनों जहां मिल रहे हैं ये हो गया P डबल डैश कितना आ गया -3, -4। देखिए ये पॉइंट आपने कोऑर्डिनेट्स के ऑब्टेन कर लिए। एक और एग्जांपल लें जिसमें देखिए 2, 0 लिखा है, मतलब एक्स की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, मींस इसे x, 0 बोलेंगे इन जनरल, तो 2, तो 1 एंड 2, तो ये आ गया पॉइंट, और y पे तो 0 है। तो देखिए जब भी वैल्यू x, 0 दी हुई है यानी x की वैल्यू दी है y की 0 है, तो वो हमेशा पॉइंट x एक्सिस पर होगा। दिस इज a, यू कैन से 2, 0, ये प्लॉट कर दिया।
बी को देखिए 0, -4, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है लेकिन y पे -4 है, तो 1, 2, 3, 4 माइनस में ये आया, देखिए ये पॉइंट हो गया बी। तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी 0, -4, आपने ये प्लॉट कर लिया पॉइंट, ये कहलाएगा 0, y, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी है और एक पॉसिबिलिटी है 0, 0 जैसे सी, तो ये ओरिजिन पे है, दिस इज सी 0, 0। मैंने जितनी पॉसिबिलिटी आपको ये प्लॉट करके बताई, किसी भी तरीके में इसी तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। तो बेसिकली तीन तरह की पॉसिबिलिटी बनी, एक्स वाई, एक्स कॉमा जीरो, या 0, y, या 0, 0। अब प्लस और माइनस कोई हो आप उसी हिसाब से प्लॉट कर देंगे और इसको निकाल सकते हैं। तो आपने इस तरह से एक्सिस ऑर्डिनेट और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के रिलेशन में एक्स वाई को प्लॉट करना सीख लिया। अब शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूं आपसे कि जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो क्या करते हैं, जरा सोच के देखिए। आप प्लेन मिरर में एक कोई भी इमेज बनाएं, आप अपने सामने प्लेन मिरर रख लीजिए, तो आप देखेंगे आपकी इमेज उसके सामने अंदर की ओर दिखती है आपको, और वो लेटरली इन्वर्टेड होती है ना, लेफ्ट राइट पे दिखता है, राइट लेफ्ट पे दिखता है, और वो जो इमेज है वो आपको अपने सामने की ओर दिखती है। तो जो मिरर है M, जिसको हम यहां नाम दे रहे हैं M, तो मैथमेटिक्स में हम एक्सिस को मिरर की तरह मानते हैं। ध्यान से समझिएगा, मिरर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि सामने आप मिरर के, प्लेन मिरर के खड़े हो गए तो आपको अपने सामने इमेज दिख रही है, जो मिरर के अंदर दिखती है ना आपको अपनी शक्ल, और वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। तो जो मिरर है इस मिरर को कैपिटल M से इंडिकेट कर दिया हमने। अब अगले स्टेप पे आते हैं और समझिए, मान लीजिए आपके सामने देखिए ये x एक्सिस का पॉजिटिव और y एक्सिस का पॉजिटिव जोन है, ये x एक्सिस का नेगेटिव और y एक्सिस का पॉजिटिव जोन है, ये वाला पोर्शन माइनस x और माइनस y का जोन है, और ये वाला क्वाड्रेंट जिसे हम क्वाड्रेंट या जोन बोल रहे हैं ये x के प्लस का और y के माइनस का जोन है। तो चार क्वाड्रेंट है यहां पे, हम यहां से शुरू कर रहे हैं पहले, जिसमें दोनों पॉजिटिव है x और y। तो यहां पे मैंने ये 3 से एक परपेंडिकुलर उठाया और यहां 4 से एक परपेंडिकुलर उठाया, देखिए ये 3 से और ये 4 से, तो ये पॉइंट मिल गया ना मेरे को। तो ये पॉइंट मैंने मान लिया P और इसको लिख दिया 3, 4, जो आपको समझ में आ चुका है कि पहले x के कोऑर्डिनेट और फिर y के कोऑर्डिनेट, 3, 4 P लिख दिया। आप देखिए ये जो पॉइंट है P, जैसा कि मैंने बोला था प्लेन मिरर हमारे सामने होता है, तो इस पॉइंट के सामने तीन चीजें हैं। अब देखिए लॉजिक समझिएगा, प्रॉब्लम करने के पहले लॉजिक को समझना है। इस P के सामने, इस पॉइंट 3, 4 के पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट के सामने तीन चीजें हैं। क्या तीन चीजें हैं, ये देखिए ये x एक्सिस है, इसके सामने ये x एक्सिस है जो मिरर की तरह एक्ट कर सकती है। तो m x लिख दिया, मींस दिस x एक्सिस इज एक्टिंग एज मिरर फॉर इट। तो क्या होगा, इस पॉइंट की इमेज यहां बन सकती है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक बात समझ में आ गई। अब अगर हम देखें इस पॉइंट को इस y के रिस्पेक्ट में, तो देखें ये जो y की ये एक्सिस है इसके रिस्पेक्ट में इमेज यहां कहीं बन सकती है इस पॉइंट की, तो ये लाइन y एक्ट करेगी एज ए मिरर। तो हम लिख सकते हैं ये दिस इज द मिरर लाइन my, क्योंकि मैंने बोला ना टोटल चार कोऑर्डिनेट हैं और एक कोऑर्डिनेट में ये p प्रेजेंट है, तो बचे हुए तीन कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें से दो कोऑर्डिनेट आप अब तक फिल कर चुके हैं बाई रिफ्लेक्शन। कैसे, आपने जब x एक्सिस को मिरर लाइन मान लिया, आपने मिरर लाइन किसको माना, x एक्सिस को, mx, तो इस p की इमेज यहां कहीं बनेगी, तो ये कोऑर्डिनेट कवर हो गया। अब इसकी इमेज यहां बनेगी इस क्वाड्रेंट में जब y एक्सिस को हमने मिरर लाइन माना, तो हमारी मिरर लाइन y है my, तो ये मिरर लाइन है दूसरी पॉसिबिलिटी। अब बचाइए कोऑर्डिनेट, तो इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये ओरिजिन है ना यहां पे, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहां इमेज बन सकती है कहीं, तो यहां से जब इमेज बनेगी तो ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है ये एक्ट करेगा एज एम ओ, मिरर लाइन फॉर ओरिजिन।
क्या मतलब हुआ इसका? तीन तरह से एक किसी भी कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन पॉसिबल है मैथमेटिकली. वन अलोंग द एक्स एक्सिस व्हेन द एम एक्स इज द मिरर लाइन, और इस कंडीशन में वाई क्या होगा? वाई तो जीरो आ रहा है, वाई एक्सिस की तो बात ही नहीं हो रही है. दूसरा है along the y-axis, जिसे हम लिख रहे हैं mirror line is acting as my, जब x को ले रहे हैं हम zero, x के respect में कोई बात नहीं हो रही है, mirror line is y-axis. और तीसरी condition है origin के respect में as a mirror line का act करना. तो तीन तरह से reflection होगा किसी भी coordinate का, चाहे वो coordinate इस quadrant में हो, यहां होता तो इधर 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 तीन जगह होता, यहां कोऑर्डिनेट होता तब भी तीन जगह होता, यहां कोऑर्डिनेट होता तब भी तीन ही जगह तो होता. रिफ्लेक्शन मींस तीन तरह से रिफ्लेक्शन होता है किसी भी कोऑर्डिनेट पेयर का, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द ओरिजिन. अब एक एक करके इन सबको डिटेल में और इसके और बाकी डिटेल्स को पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस एज ए मिरर लाइन एक्ट कर रही है. तो शुरू करते हैं. तो देखिए ये पॉइंट है 3.4, कोई कंफ्यूजन नहीं. अब जब आप कॉमन सेंस से सोच के देखिए, जब हम प्लेन मिरर में पढ़ते हैं तो हमारी लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है और उतनी ही दूरी पे होती है जितनी दूरी पे हम खड़े थे, उतनी ही दूरी पे हमारी इमेज बनती है और उसी साइज की होती है. तो अगर हम कॉमन सेंस लगाएं, लॉजिकल सेंस लगाएं, तो इसकी इमेज जब इधर बनेगी और इस मिरर लाइन के रिस्पेक्ट में बनेगी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस 3 units और डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस 4 units, दोनों वही होने चाहिए इसकी इमेज पे भी. मतलब यहां कहीं इमेज जो बनेगी वो 4 units, इसके इसका इन्वर्जन इधर होगा 4 units पे -4 पे, और इसका इन्वर्जन यहीं रहेगा इधर की तरफ, यहां कहीं इमेज बनेगी. लेकिन यह तरीका नहीं है. आप अगर इस तरह से सोचेंगे तो बहुत ज्यादा गलतियां हो जाएंगी आपसे. तो उसका फंडामेंटल समझ लीजिए क्या है. अगर आपने लिखा P, ये P पॉइंट है और आप रिफ्लेक्शन करा रहे हैं इसका किस एक्सिस पे, अलोंग द एक्स एक्सिस. तो आपने जब इसका रिफ्लेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस कराया तो यहां मैंने एक्स लिख दिया, तो इससे जो रिजल्ट आएगा आपके सामने, हमने मान लिया वो आएगा पी डैश. और आप देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, 3, -4. मैंने लिखा 3, -4, मतलब क्या हुआ कहने का, जब मिरर लाइन एक्स एक्सिस की तरह एक्ट कर रही है, यानी ये एक्ट कर रही है मिरर लाइन की तरह एक्स एक्सिस, तो जब रिफ्लेक्शन किसी कोऑर्डिनेट पेयर में होगा तो वाई एक्सिस के जो, यानी ऑर्डिनेट के जो साइन हैं वो बदल जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं. किसके साइन चेंज होते हैं? ऑर्डिनेट के साइन चेंज होते हैं. एक्स पे कोई फर्क नहीं आया, देखिए एक्स तो यही है, एक्स से आप 3 point नीचे यूनिट ले लेंगे, ये 3 से ही लेंगे, लेकिन ये देखिए ये +4 था और नीचे आके ये -4 आ जाएगा, तो यहां पे ये पॉइंट आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका पी डैश और इसकी वैल्यू होगी 3, -4. तो कहने का मतलब हुआ जब रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस हो रहा है, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस हो रहा है, तो किसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, साइन चेंज हो रहे हैं कोऑर्डिनेट में, y के हो रहे हैं, यानी कि ऑर्डिनेट के साइन बदल जाएंगे. अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, और अगर ये माइनस में होता तो प्लस में हो जाता. सिंपल सा रूल याद रखिए, किसके साइन चेंज होंगे, y के, यानी कि ऑर्डिनेट के साइन चेंज हो जाएंगे, इट चेंजेस. और जो भी नंबर आएगा, जो भी पेयर आएगा, आप उसकी प्लॉटिंग कर देंगे. ये हो गया रिफ्लेक्शन एट x एक्सिस, यानी कि मिरर लाइन x एक्सिस है. अब अगर y एक्सिस की बात करें तो देखिए यहां से रिफ्लेक्शन होना है इस तरफ, तो इधर का मतलब हुआ जब ये 3 इधर है तो ये -3 में इधर आ रहा है, तो किसके साइन चेंज हो गए, x के साइन चेंज हो गए. तो जब रिफ्लेक्शन हो रहा है P3, 4 से y में, देखिए y में लिख रहा हूं मैं मिरर लाइन, तो जो कोऑर्डिनेट हमारे आएंगे P डबल डैश मान लिया इसको, ये आएंगे -3, 4, मींस x के साइन यानी एब्सिसा के साइन चेंज हो जाएंगे. तो यहां से आप लेंगे पॉइंट और ये लेंगे पॉइंट और ये आ जाएगा P डबल डैश -3, 4, मींस जब रिफ्लेक्शन अलोंग द y एक्सिस होता है तो
एक्स के साइन चेंज होते हैं, एक्स के साइन चेंज हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों बातें क्लियर। अब तीसरे पे आइए, तीसरे का देखिए मतलब है ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ओरिजिन के रिफ्लेक्शन में आप देखें ये दोनों कोऑर्डिनेट है ना, ये वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में है और ये एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस में है, इसका मतलब क्या हुआ, पी जो था हमारा 3.4 ये क्या बनाएगा, पी ट्रिपल डैश मान लिया इसको, और ये बना लेगा -3.-4, यानी कि दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे एक्स और वाई दोनों के। तो आप यहां से प्लॉटिंग करेंगे, -3 इधर लेंगे और -4 यहां लेंगे, यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं सिंपल सा ये लॉजिक बना कि अलोंग द एक्स एक्सिस जब मिरर लाइन है ये, यानी रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस हो रहा है, तो वाई के साइन चेंज हो रहे हैं, यानी कि ऑर्डिनेट के साइन चेंज हो रहे हैं, जब अलोंग द एक्स एक्स वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक्सिस आ यानी कि एक्स के साइन चेंज हो रहे हैं, और जब अलोंग द ओरिजिन हो रहा है रिफ्लेक्शन तो दोनों एक्स और वाई के साइन चेंज हो रहे हैं। तो हम लोगों ने जो ये अभी तीनों तरह के रिफ्लेक्शन पढ़े, इसको एक एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर कर दें, तो फटाफट देखते हैं, प्लॉटिंग आप सीख गए, उसकी कॉन्सेप्ट को समझ गए। तो देखिए आपके सामने एक कोऑर्डिनेट, मैं फिर सिर्फ कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, प्लॉटिंग आप खुद भी कर सकते हैं, खुद करके देखिएगा। देखिए मैंने आपके सामने कोऑर्डिनेट लिखा -3.7। अब ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लिया ये ए है, एक ही कोऑर्डिनेट है, अभी मैंने प्लॉट नहीं किया, सिर्फ लिखा हुआ है -3.7। अब अगर हमें इसको रिफ्लेक्ट कराना है अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस मिरर लाइन की तरह एक्ट करेगी, तो आप क्या लिखेंगे, एम एक्स, यानी मिरर लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस है। तो हमने लिखा ए -3.7, आप ऐसे लिख लीजिए या यहां पर एक्स लिख दीजिए, तो इससे क्या बनेगा, यहां बनेगा ए डबल डैश, हमने मान लिया ए डबल डैश बन गया। अब देखिए जब अलोंग द एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन होता है तो कोऑर्डिनेट किसके चेंज होते हैं, वाई के होते हैं, तो यहां पे हमारे आ जाएगा -3.-7। -3 में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन -7 आ जाएगा, -3 -7 को आराम से इधर प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ओर माइनस में आ गए तो इस कोऑर्डिनेट में आएंगे। अगर आपसे कहा जाए रिफ्लेक्शन इसका वाई में कराना था एम वाई, तो ये आपने लिखा ए -3.7, तो ये आपने बनाया ए ट्रिपल डैश मान लिया, मैंने नया नाम दे दिया, तो किसके साइन चेंज होंगे जब वाई में रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक्स के कारण साइन चेंज होते हैं, तो ये +3 हो जाएगा, ये 7 तो वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा उसमें, आपको ये बात भी समझ में आ गई। और अगर मैं बोल रहा हूं ओरिजिन में रिफ्लेक्शन हो रहा है ए का -3.7 का, तो ये बनेगा, मान लीजिए मैंने ए को ये सिंगल डैश मान लिया, तो यहां पर ये दोनों के साइन चेंज होंगे ना एक्स और वाई के, तो ये बन जाएगा +3 और ये बन जाएगा -7, तो देखिए +3 -7 आ जाएगा। और आई थिंक आपको ये प्लॉट करना तो बहुत अच्छे से आता है, तो आप एक पॉइंट दिया हो उससे किसी भी में एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में और ओरिजिन में तीनों में रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, अभी इस पे कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लें जिसे हम कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट एंड वेरिएंट पॉइंट। तो आइए अब हम लोग समझेंगे वेरिएंट और इनवेरिएंट का मतलब। देखिए जैसे नाम से समझ में आता है वल्गर मीनिंग में कि वेरिएंट का मतलब बदल जाने वाला और इनवेरिएंट का मतलब ना बदलने वाला। अभी अभी आपने देखा ना यहां पे कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो रहे थे, कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो रहे थे तो उसका क्वाड्रेंट बदल जा रहा था, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो उससे सेकंड थर्ड फोर्थ किसी और क्वाड्रेंट में चला जा रहा था आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वो सारे कोऑर्डिनेट जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन चेंज हो जाते हैं, साइन के रिस्पेक्ट में तो चेंज होंगे, नंबर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होंगे, साइन के रिस्पेक्ट में चेंज होंगे लेकिन चेंज हो जाते हैं, वो वेरिएंट पॉइंट हैं। और जो कोऑर्डिनेट्स साइन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले सिंपलेस्ट से शुरू करते हैं, हमारे सामने एक पॉइंट है ये, हमने यहां पर मार्क किया, इसको लिखा पी, तो ये लिखेंगे 5.0। अब अगर 5.0 को हम कहें वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाइए, किसमें कराइए, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराइए, तो मिरर लाइन होगी ये वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में किसका साइन चेंज होता है, एक्स का साइन चेंज होता है, तो ये बन जाएगा पी -5.0। तो ये आप देखेंगे यहां पर इसकी इमेज आ जाएगी पी डैश -5.0। तो देखिए ये +5 से -5 हो गया, तो ये किस तरह का हुआ, ये वेरिएंट हो गया,
ये वेरिएंट पॉइंट है क्योंकि प्लस फाइव से माइनस फाइव हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहता इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में करिए, किसमें करिए, मिरर लाइन एक्स एक्सिस में है, ये तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस कराया, और अगर हम इसको एक्स एक्सिस में ही रिफ्लेक्शन कराते तो कहां जाता, ये कहीं नहीं जाता, यहीं का यहीं रहता, क्योंकि फाइव तो चेंज होके प्लस फाइव ही रहता, और जीरो और एक्स एक्सिस में जीरो होगा तो साइन चेंज ही नहीं होगा, जीरो तो जीरो होता है, तो ये पॉइंट यही रहता, तो ये कहलाता इनवेरिएंट। तो अगर एक्स कॉमा जीरो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स कॉमा जीरो है और उसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में कराएं तो हमको इनवेरिएंट मिलेगा ये पॉइंट। सिमिलरली हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये ले लिया, कहीं पे भी ले लीजिए, तो ये है हमारा जीरो कॉमा माइनस थ्री। अब देखिए जीरो कॉमा माइनस थ्री को अगर हम रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस करवा दें तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा जीरो कॉमा प्लस थ्री, ये यहां आ जाएगा ना, जीरो कॉमा प्लस थ्री आएगा क्योंकि साइन चेंज हो गया, तो ये वेरिएंट हो गया, तो ये वेरिएंट पॉइंट है। लेकिन अगर मैं कहता इसको वाई एक्सिस में ही रिफ्लेक्शन करवाइए तो ये यहीं का यहीं रहता, तो ये क्या बनता, इनवेरिएंट होता। तो ये इनवेरिएंट किस कंडीशन में होता, जब ये लिखते जीरो कॉमा वाई और इसको वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाते। और तीसरा इनवेरिएंट की कंडीशन होती ओरिजिन पे जीरो जीरो, जीरो जीरो को चेंज करेंगे तो जीरो जीरो ही रहेगा रिफ्लेक्शन में। ये तीन तरह के इनवेरिएंट पॉइंट आते हैं आपके सामने, बाकी सब इनवेरिएंट नहीं, वेरिएंट पॉइंट होते हैं। इन रिलेशन टू इनवेरिएंट पॉइंट देखिए एक एग्जांपल और समझते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है माइनस फाइव कॉमा जीरो एंड फोर कॉमा जीरो आर इनवेरिएंट अंडर द लाइन एल वन, यानी जब रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइन एल वन के थ्रू, तो ये कोऑर्डिनेट इनवेरिएंट हैं। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है पॉइंट जीरो कॉमा माइनस सिक्स एंड जीरो कॉमा फाइव आर इनवेरिएंट इन द लाइन एल टू, तो ये पता लगाना है लाइन एल वन और एल टू क्या है। अब बहुत सिंपल है, अभी अभी जस्ट डिस्कस किया है। तो देखिए आपके सामने लिखा है माइनस फाइव कॉमा जीरो और यहां लिखा हुआ है फोर कॉमा जीरो और लाइन है हमारे सामने एल वन। अब ध्यान दीजिए रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइन एल वन में और यहां देखिए एक्स है और ये जीरो है, यहां देखिए ये एक्स है और ये जीरो है, यानी x के कोऑर्डिनेट गिवन है और ये इनवेरिएंट है, जीरो से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कि ये इनवेरिएंट है, मतलब माइनस फाइव रिफ्लेक्शन के बाद भी माइनस फाइव ही रहता है और फोर यहां पर इन रिफ्लेक्शन के बाद फोर रहता है, जीरो तो जीरो ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोऑर्डिनेट्स किस एक्सिस पे हैं, किस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, एल वन इज एक्स एक्सिस, दिस इज द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस बिकॉज वाई इज जीरो। सिंपल, समझ में आ गया। इन द सेम वे अगर इनको देखें, यहां देखिए जीरो कॉमा माइनस सिक्स एंड जीरो कॉमा फाइव गिवन है, तो यहां पे एक्स की वैल्यू जीरो है और ये इनवेरिएंट है, मतलब माइनस सिक्स और फाइव रिफ्लेक्शन के बाद भी बदलते ही नहीं है, तो ये किस एक्सिस में रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, एल टू वाई एक्सिस में, मींस एल टू वाई एक्सिस है और यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो है, ये देखिए इसे कहते हैं इनवेरिएंट। तो आइए अब अपने इस रिफ्लेक्शन के टॉपिक को एक एग्जांपल के थ्रू और एलैबोरेट करें और समझने की कोशिश करें। इस प्रॉब्लम को देखिए, क्वेश्चन में दिया है एक ट्रायंगल है एबीसी, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 3.2 ए के, बी के कोऑर्डिनेट 6.1 और सी के कोऑर्डिनेट 5.5 दिए हैं। तो हम इसको प्लॉट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद रिफ्लेक्शन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो देखिए ए लिखा हमने, ए है 3.2, तो आप 3 से और 2 से कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर उठाएंगे और ये ए पॉइंट आ जाएगा 3.2, आपने ये ए पॉइंट मार्क कर दिया। बी को देखिए 6.1, तो देखिए 1 से लेके 6 पे आइए और ये है 1, तो यहां से ये डॉटेड लाइन आएगी वाई पे, तो ये आएगा आपका पॉइंट बी 6.1। और सी को देखिए 5.5, तो ये 5 से 5 की ओर हम आएंगे, तो ये आएगा सी 5.5। ये आपने तीन लोकेशन बनाई एबीसी की और इसको ज्वाइन कर दिया, तो देखिए ये आपके सामने एक ट्राइंगल बन गया इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में थे। अब जैसा मैंने बोला कि रिफ्लेक्शन की तो तीन कंडीशंस हैं, रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में हो सकता है, रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में हो सकता है, रिफ्लेक्शन ओरिजिन में हो सकता है, तो बस दिमाग चला दीजिए। अगर कहा जा रहा है इस ट्राइंगल का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे करवाइए, तो ये मिरर लाइन होगी और सोच के देखिए इमेज कहां बनेगी, यहां पर बनेगी इस क्वाड्रेंट में ना। जब वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगा
तो इमेज इस क्वाड्रेंट पे बनेगी, और जब ओरिजिन में रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज इस क्वाड्रेंट में आएगी। और हमको इसके लिए क्या करना होगा, इन सब कोऑर्डिनेट को रिफ्लेक्ट कराना होगा विद द चेंज ऑफ साइन। तो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, उससे हम प्लॉटिंग करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम इसको, इस ट्राइंगल को एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं, मींस मिरर लाइन एक्स एक्सिस है। तो देखिए ए है ए, जब इसका मिरर लाइन एक्स एक्सिस है, सभी में एक्स एक्सिस मिरर लाइन की तरह एक्ट कर रही है। तो हमने मान लिया यहां से ये बन जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा सी डैश। तो जब एक्स एक्सिस में होता है तो वाई का कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तो ये हो जाएगा 3, -2, ये हो जाएगा 6, -1 और ये हो जाएगा 5, -5। आप देख रहे हैं ना ये प्लॉटिंग। अब देखिए सबसे पहले आपको ये नोटेशन लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो आपने ए डैश बी डैश सी डैश निकाल लिए, कैसे निकाले, सिंपली साइन का चेंज करके इनको प्लॉट कर दीजिए। देखिए प्लॉट करके, प्लॉट हमेशा ग्राफ पेपर पे ही करेंगे। तो 3, -2, तो देखिए 3 और ये -2, देखिए पहला पॉइंट आया ये ए डैश, ये आया 3, -2, दूसरा 6, -1 B1 बी डैश, तो 6, -1 ये पॉइंट आया आपका बी डैश 6, -1 सी डैश 5, -5, तो देखिए 5, -5 यहां कहीं आएगा, ये आया सी डैश 5, -5। आपको मिल गए सारे पॉइंट और अब आप इनको ज्वाइन करिए। देखिए ये ज्वाइन करेंगे जब आप, तो ए डैश बी डैश सी डैश रिफ्लेक्टेड इमेज आ गई अलोंग द एक्स एक्सिस। तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं एबीसी का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में हुआ, तो बन गया ए डैश बी डैश सी डैश विद दीज कोऑर्डिनेट्स। क्या आप इसी तरह से इसको वाई में प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप इस ट्राइंगल को यहां पे प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो भी कैसे प्लॉट होगा। तो सबसे पहले अब इसको प्लॉट करेंगे अलोंग द वाई एक्सिस। तो अब हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं इसी ट्राइंगल को इन द रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस, यानी मिरर लाइन वाई एक्सिस है। तो देखिए ये ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं ए 3, 2 बी 6, 1 बी सी 5, 5, यही ट्राइंगल है और इसमें मिरर लाइन आप क्या ले रहे हैं अलोंग द वाई एक्सिस। तो हम यहां पर भी वाई लिख सकते हैं इसमें। तो ये इमेज बनेगी इसकी, किसके साइन चेंज होंगे, एक्स के साइन चेंज होंगे। तो ये बन जाएगा, अब हमने इसको डबल डैश मान लिया, ये ए डबल डैश बी डबल डैश और सी डबल डैश, तो ये बन जाएगा -3, -2, ये बन जाएगा -6, -1 और ये बन जाएगा -5, क्योंकि रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस में एक्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए -3, 2, तो ये पॉइंट आएगा आपके सामने ए डबल डैश -3, 2 बी डबल डैश -6, 1, तो -6, 1 ये पॉइंट आएगा आपके सामने, दिस इज बी डबल डैश -6, 1 और सी को देखिए -5, 5, तो -5, 5 यहां पॉइंट आएगा सी -5, 5। आप इनको ज्वाइन कर देंगे, आप देखिए इसकी इमेज यहां बन गई। अब आपको पता लग रहा होगा कि ये लिटरली इन्वर्टेड इमेज है और रिफ्लेक्शन से आ रही है। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्राइंगल इन एक्स एक्सिस, दिस इज द रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। और अगर ओरिजिन में होता तब क्या करते, तो सिंपल से काम करते, हम इसको यहां से हटा के वाई की जगह अब ओरिजिन लिख दे रहे हैं, लीजिए ओरिजिन लिख दिया। तो यहां तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहां भी -1 यहां -5 दोनों जगह साइन चेंज हो जाते हैं एक्स और वाई। अब प्लॉट कर लीजिए, तो देखिए -3, -2, -3, -2 ये पॉइंट ए हमने ट्रिपल डैश मान लिया, इसको हमने नाम भी बदल दिया ए ट्रिपल डैश कर दिया, तो ये आ गया -3, -2 -6, -1 बी ट्रिपल डैश आ जाएगा, तो -6 ये आया और -1 इधर से आएगा, ये पॉइंट आएगा बी ट्रिपल डैश -6, -1 और सी को देखिए -5, -5, तो देखिए -5 और -5 ये सी पॉइंट आ जाएगा सी ट्रिपल डैश -5, -5, इनको ज्वाइन करिए। आप देख सकते हैं मैंने आपको पूरा रिफ्लेक्शन करके दिखा दिया तीनों एक्सिस में, मींस हमने यहां एबीसी से शुरू किया, एबीसी से यहां एक्स पे आए, एबीसी से फिर
वाई पे देखा और एबीसी से ओरिजिन पे देखा। अब हम लोग एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। ये अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब क्या है, इसका ये समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनी हुई है, यहां पे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है ए 3.4। तो हम 3.4 को आराम से प्लॉट कर सकते हैं, ये 1, 2, 3 और ये 1, 2, 3, 4। तो देखिए इसको प्लॉट कर दिया मैंने A3.4। अब क्वेश्चन में बोला गया है इस 3.4 A का रिफ्लेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस करवाइए, मतलब मिरर लाइन ये वाई एक्सिस है। तो हम जानते हैं वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होने से क्या होगा, एक्स के साइन चेंज होंगे, तो ये -3.4 A डैश बन गया। देखिए ये आ जाएंगे ना -3.4, तो आप लिखेंगे 1, 2, 3 माइनस में 4, तो देखिए ये आ गया A डबल डैश -3.4, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने ये -3.4 यहां पे लिख लिया A डैश, और इसका रिफ्लेक्शन करवाना है x एक्सिस में, तो देखिए A डबल डैश बनेगा, तो ये रिफ्लेक्शन यहां होगा, तो ये इसमें y के साइन चेंज होंगे, तो -3.-4, तो ये बन जाएगा -3.-4, तो देखिए ये पॉइंट आ जाएगा A डबल ट्रिपल डैश ये A डबल डैश, ये आ जाएगा -3.-4, आपके सामने ये -3.-4 आ जाएगा। और अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है -3.-4 का रिफ्लेक्शन फिर से y एक्सिस में करवाना है, यानी इधर करवाना है, तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा A ट्रिपल डैश, ये आपके सामने बन के आ जाएगा, क्योंकि y एक्सिस में हो रहा है तो किसका साइन चेंज होगा, x का, तो 3.-4, तो आपके सामने ये पॉइंट आएगा 3.-4। इस तरह से आपने इस कोऑर्डिनेट्स को सारे कोऑर्डिनेट्स में घुमा दिया इस ऑर्डर में। और क्वेश्चन में अब कहा जा रहा है बताइए व्हाट इज द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग दिस रिफ्लेक्शन होल ऑफ द रिफ्रैक्शन। इसका मतलब हुआ पहले से फर्स्ट वन से लास्ट वन का रिलेशन। तो अगर हम पहले वाले से देखें A3.4 से हमको रिजल्ट मिल रहा है A ट्रिपल डैश 3.-4। जरा देखिए ये कहलाएगा सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या चेंज हुआ, 3 तो चेंज नहीं हुआ, 4 हो गया -4, मतलब रिफ्लेक्शन किस में हो रहा है यहां पे, क्योंकि y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो x में, यानी कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग द x एक्सिस है। तो देखिए इसका सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन फाइनली इधर आ गया इसके रिस्पेक्ट में, पहले ये इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, लेकिन फाइनली इसका रिलेशन आ गया ना, पहले से लास्ट का रिलेशन। तो कोऑर्डिनेट 3.4 3.-4, आप इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो फाइनली इस चैप्टर को समझने के लिए, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और फाइनली भी हम इसको कंक्लूड कर देंगे। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, प्लॉट करना है P3.2 एंड Q-3.2 इन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और बाद में कुछ और भी है, पहले इनको प्लॉट कर लें फिर आगे पढ़ते हैं। तो देखिए प्लॉट किया हमने पी को 3.2, तो ये पॉइंट आ गया P3.2, दूसरा है Q-3.-2, तो -3.-2 ये पॉइंट आ गया Q-3.-2। अब क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ परपेंडिकुलर PM एंड QN फ्रॉम द PNQ ऑन द x एक्सिस, मतलब यहां से एक ये परपेंडिकुलर गिराना है, ये M है क्योंकि PM बोला गया, और यहां से एक ये परपेंडिकुलर गिराना है, इसको N बोला गया। तो देखिए सोच के देखिए, आपके सामने ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे m के 3.0, n के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे -3.0। आप इन कोऑर्डिनेट को आराम से पता लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक फिगर बन रही है PMQN, तो देखिए PMQN ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो देखिए आपके सामने एक फिगर बन के आ गई PMQN, जिसमें आपको P के भी कोऑर्डिनेट पता है, M के भी पता लग गए, Q के भी पता लग गए, N के भी पता लग गए, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पैरेललोग्राम। ये दिख रहा है ना पैरेललोग्राम, तो आपने ये एक पैरेललोग्राम बना दिया PMQN। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपसे कहा जा रहा है फिगर बताइए, इनके कोऑर्डिनेट पूछे जा सकते हैं लाइक दैट। तो इन दिस वे आपने रिफ्लेक्शन टॉपिक के सारे लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तीन तरह के रिफ्लेक्शन समझे,
वेरिएंट और इनवेरिएंट पॉइंट समझे और सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन और डिफरेंट तरह के फिगर जो हम यहां ऑब्टेन कर सकते हैं उसको समझा। इन लॉजिक्स का हेल्प से, इन लॉजिक्स का यूज करके अपनी किताब से उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करिए, सबको करने का सेम फंडामेंटल होगा। थैंक यू।